वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला अपडेट दे दूं। पहला अपडेट है राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आज आ रहा है 1 जून को, और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तुम्हारा रिजल्ट आज कल परसों मतलब पूरी तरह से आने की उम्मीद है। बात करूं CBSE के यानी कि टर्म 2 के रिजल्ट की क्लास 10th और क्लास 12th की, तो यहां पे CBSE ने अपनी बात से पलट गई है। पहले CBSE के ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि हम जून के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे, लेकिन अब वैसे मुझे लगता है इसमें CBSE की भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने CBSE को अपने बच्चों के टर्म 2 के इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे हैं। जैसे 40 नंबर का आपका पेपर हुआ था और 10 नंबर का जो इंटरनल मार्क्स है, तो CBSE का ये कहना है जब हमारे पास इतने सारे स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हैं जिनके इंटरनल मार्क्स नहीं आए, तब तक हम आपका रिजल्ट कैसे बना दें। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है CBSE 10th 12th रिजल्ट 2022 लाइकली बी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई डिबेट ओवर रिजल्ट्स फॉर्मूला। तो यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास कह रहे थे पहले, और अब ये जा सकता है आपके जुलाई के लास्ट में। फाइनली CBSE ने बता दिया है कि टर्म 2 में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आपको पूरी बात बताऊंगा इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, अभी भी अगर आपको ये डर सता रहा है कि यार मेरा तो टर्म 2 का ये वाला पेपर, मैथ्स का पेपर, फलाना पेपर खराब हो गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि CBSE ये कह रही है कि भैया टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के पास होना है। आपके टर्म 1 और टर्म 2 में मिला के 33 मार्क्स अगर हैं तो आप पास हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मान के चलो साइंस में 20 नंबर थे, ठीक है, थ्योरी में, और 10 नंबर उसको 10 में नहीं 10 में से 8 उसको मिल गए थे क्या नाम है इंटरनल असेसमेंट, मान के चलो उसके 28 मार्क्स थे टोटल टर्म 1 में। तो अब अगर उसके टर्म 2 में अगर उसके 5 नंबर भी है ना, तो भी भाई वो बच्चा पास है, फेल नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें साफ साफ बात बता दी थी कि अगर आपके पास, अगर आप 3 सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि आपके पास IT हो, फिजिकल हो, कंप्यूटर साइंस, मतलब कुछ भी इस तरह का है, तो भी आपको पास किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सब्जेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि स्किल सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए बच्चे को।